हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन फ्लेयर्स, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल और डीआईवाई के बारे में। आज की जो वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कोई स्टाइलिंग, कुछ भी स्टाइल करते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि हम इस ड्रेस को डालने के बाद कैसे लगेंगे। हम पतले लगेंगे, मोटे लगेंगे, या फिर हम लंबे लगेंगे, छोटे लगेंगे, क्योंकि हम में से किसी की भी बॉडी परफेक्ट नहीं होती है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम एरिया सबकी बॉडी के साथ होते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो है मेरी, जो गर्ल्स थोड़ा सा हैवियर साइड में है या फिर जिनकी हाइट जो है वो थोड़ी सी कम है, उनके लिए। तो आप लोगों को मैं कुछ ऐसे स्टाइलिंग टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, गारमेंट के भी और आपके साथ एसेसरीज के लिए, फुटवेयर के लिए और ज्वेलरी के लिए, हर चीज के लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिनको यूज करके आप इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं स्लिम होने का और टॉल होने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपने अपैरल्स के बारे में, मतलब कि अपने गारमेंट के बारे में। जब भी आप अपना गारमेंट चूज करें, अपने लिए कोई ड्रेस चूज करें, तो उसको फ्लोई फैब्रिक में चूज करें। फ्लोई फैब्रिक लाइक, जो कि फैब्रिक स्टिफ ना हो, सॉफ्ट फैब्रिक हो, जैसे कि हमारा होता है सॉफ्ट कॉटन होता है, सिल्क में सॉफ्ट सिल्क आता है, या फिर आपका शिफोन आता है, जॉर्जेट आता है, इस टाइप के फैब्रिक्स को यूज करें। उससे क्या होगा कि ये जो फैब्रिक्स हैं ये हमारी बॉडी के साथ फ्लो करते हैं, तो हमें ज़्यादा फ्लो हैवी नहीं दिखाते हैं। जो स्टिफ फैब्रिक्स होते हैं वो बॉडी से अवे रहते हैं और हमें थोड़ा सा और भी ज़्यादा हैवियर इफेक्ट देते हैं, तो आप स्टिफ फैब्रिक्स को अवॉइड करें। सेकेंड जो टिप है वो आपके लिए है कि आप डार्क कलर्स को चूज करें। डार्क कलर में क्या होता है, आप लंबे भी लगते हैं थोड़े से और आप थोड़े से पतले लगते हैं, थोड़ा सा स्लिमिंग इफेक्ट आ जाता है। तो लाइक आप ब्लैक कलर चूज कर सकते हैं, आप नेवी ब्लू कलर चूज कर सकते हैं, या फिर आप डार्क ग्रीन कलर चूज कर सकते हैं, रेड कलर चूज कर सकते हैं। जो आपके लाइट कलर्स होते हैं उनको थोड़ा इग्नोर करें। नेक्स्ट जो टिप है वो है कि जब आप प्रिंट्स को चूज करें, अपने फैब्रिक्स में आपको कोई प्रिंट लेना है, तो आप किस टाइप के प्रिंट्स को चूज करें। या तो आप वर्टिकल लाइंस ले सकते हैं। वर्टिकल लाइंस क्या करती हैं, आपका जो सामने वाला है, जो देखने वाला है, उसकी आईज को अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती हैं, जिससे हमारा साइड्स की तरफ जो है वो ध्यान ही नहीं जाता है देखने वाले का। तो उससे क्या होता है कि वो हमें ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा और हम उसे थोड़े से लंबे और पतले दिखाई देंगे। नेक्स्ट आपको जो, अगर वर्टिकल लाइंस में नहीं लेना है, कोई ऐसे मोटिव्स लेने हैं फ्लोरल टाइप के, या फिर कुछ और जैसे डॉट्स वाला प्रिंट लेना है, वैसे डॉट्स को अवॉइड करना चाहिए। बट अगर फिर भी आपको कोई ऐसी चीज पसंद आती है जो आपको डॉट्स में या फिर ऐसे मोटिव्स में लेनी है, तो आप कोशिश करें वो जो मोटिव का साइज हो वो छोटा हो। जितना छोटा मोटिव का साइज होगा आप उतने ही स्लिम लगेंगे। हैवी मोटिव्स के साथ आप थोड़ा सा हैवियर साइड की तरफ दिखेंगे। तो आप कोशिश करें कि आप छोटे छोटे मोटिव्स या फिर जो आपकी छोटे छोटे डॉट्स वगैरह होते हैं उस टाइप के प्रिंट्स को चूज करें। नेक्स्ट है, अगर आप सॉलिड कलर पहनना चाहते हैं तो द बेस्ट है। सॉलिड कलर्स में आप क्या करें, अपना पूरा गारमेंट सेम कलर में रखें, अपर लोअर, और अगर आप दुपट्टा भी कैरी करना चाहते हैं तो आप उसको भी सेम कलर का रखें। उससे क्या होगा, इस टाइप की जो ड्रेसिंग होती है जिसमें हम सारी चीज़ें एक ही कलर में रखते हैं, उनको बोला जाता है मोनोक्रोमेटिक लुक। तो मोनोक्रोमेटिक लुक में क्या होता है, इल्यूजन ऑफ हाइट एंड स्लिमिंग, ये दोनों चीज़ों का इफेक्ट आता है। आप देखना एक बार ट्राई करके, जब भी आप कोई भी चीज़ सेम कलर में पहनेंगे तो आप लंबे लगेंगे और आप थोड़े से पतले लगेंगे। लाइक आपने ब्लैक कलर का कोई कुर्ती पहनी है, लॉन्ग कुर्ती पहन लीजिए, और नीचे आप कोई शरारा पहन सकते हैं, कोई पैंट पहन सकते हैं, या फिर कोई प्लाजो डाल सकते हैं, तो उसमें आप थोड़े से स्लिम लगेंगे। ट्राई करके देखिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम अपनी सिलेट्स की, किस टाइप के सिलेट्स आप चूज करें। जो आप अपनी ड्रेसेस वगैरह चूज करें, इस टाइप से चूज करें कि जो आपकी बॉडी का प्रॉब्लम एरिया है वो हाइड हो जाए, और जो आपकी बॉडी का अट्रैक्टिव एरिया है उसको आप एनहेंस करें और आगे की तरफ दिखाएं, मतलब कि सामने उभर के दिखाएं। जैसे कि जो पियर शेप बॉडी की बात करते हैं हम, पियर शेप बॉडी होती है जिसमें हमारा अपर पार्ट जो होता है
वो नॉर्मल होता है, बट जो लोअर पार्ट होता है लाइक हमारे थाइज होते हैं वो थोड़ा हैवियर साइड की तरफ होते हैं, शोल्डर से जो थाइज होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। तो उस टाइप की अगर बॉडी है तो आपको क्या करना है, आपको जो सामने वाले का अट्रैक्शन है वो सारा अपना अपर बॉडी में रखना है और नीचे की तरफ से डिस्ट्रैक्ट कर देना है। आपको क्या करना है, जो भी एक्सेसरीज वगैरह वियर करनी है या फिर जो भी थोड़ा ब्राइट चीजें पहननी है वो अपर बॉडी में पहननी है, लोअर जो आपका एरिया है उसको सिंपल रखें ताकि जो सामने वाले का ध्यान है वो अट्रैक्टिव चीज की तरफ जाए, जो सिंपल चीज है उसकी तरफ ना जाए। ठीक है, ये तो थी हमारी क्लॉथिंग की टिप्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फुटवेयर में। फुटवेयर में अगर आप हील डाल सकते हैं द बेस्ट है, आप पॉइंटेड हील डाल सकते हैं। ठीक है, वेजेस को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वेजेस में थोड़ा सा दिखता है कि आपने हील डाल रखी है, तो इसलिए इल्यूजन ऑफ हाइट इतना ज्यादा क्रिएट नहीं हो पाता है। और जितना आप लंबे लगेंगे उतना आप स्लिम भी लगेंगे, तो अगर आपने हील्स डाली हैं द बेस्ट है। बट मेरी वो गर्ल्स जो कि हील्स नहीं डाल पाती हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता है, जो कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं हील्स में, उनके लिए भी मेरे पास एक टिप है। वो क्या कर सकती हैं, पॉइंटेड शूज मतलब पॉइंटेड फुटवेयर पहन सकती हैं। मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी। इस टाइप के आप फुटवेयर अगर पहनेंगे तो उससे क्या होगा, इल्यूजन ऑफ हाइट क्रिएट होगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया, इल्यूजन ऑफ हाइट जब क्रिएट होता है तो स्लिमिंग इफेक्ट जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ज्वेलरी की। तो आपको क्या करना है, जो भी आप ज्वेलरी डालें उसको लॉन्ग में रखें, थोड़ा सा लॉन्ग रखेंगे तो वो जो थोड़ा सा लंबाई की तरफ सामने वाले का ध्यान जाएगा और आप थोड़े से लंबे लगेंगे। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको आप अगर यूज़ करेंगे तो आप जो है अपने प्रॉब्लम एरियाज को हाइड कर सकते हैं और खुद को थोड़ा सा स्लिम और थोड़ा सा इलॉन्गेटेड मतलब टॉल दिखा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इयररिंग्स वगैरह। आप लॉन्ग इयररिंग्स डाल सकते हैं, थोड़ा सा वो आपके फेस को कम फैटी दिखाते हैं, आपका जो सामने वाले का अट्रैक्शन होता है वो आपकी ज्वेलरी की तरफ चला जाता है। कुछ इस टाइप की चीज़ें पहनिए जिससे क्या होगा कि आपका जो अट्रैक्शन है सामने वाले का, जो देखने वाले का ध्यान है वो आपकी जो अट्रैक्टिव चीज़ें हैं उनकी तरफ चला जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई लॉन्ग ड्रेस डालते हैं, लॉन्ग कुर्ती डालते हैं और आपकी वेस्ट जो है वो स्लिम है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेस्ट पे एक बेल्ट ऐड कर सकते हैं, जो कि क्या करेगी, आपकी बॉडी को डिवाइड कर देगी और जो वेस्ट आपकी स्लिम है उसके ऊपर सामने वाले का ध्यान लेके आएगी। तो उससे क्या होगा, आप स्लिम लगेंगे। और जब आपकी बॉडी अगर नीचे से हैवी है तो आप नीचे लूज फैब्रिक्स पहन सकते हैं, लूज गारमेंट्स पहन सकते हैं। और अगर आपका अपर एरिया जो है वो हैवी है तो आप अपने जो लोअर एरिया है उसको हाईलाइट कीजिए और अपर एरिया को थोड़ा सा लूज रख के लूज गारमेंट्स के अंदर हाइड कर लीजिए। जैसे अगर आपका टमी फैट है तो आप क्या कर सकते हैं, बलून टॉप्स पहन सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपका जो टमी एरिया होता है वो नहीं दिखता है, तो वो आपका टमी फैट जो है वो हाईलाइट नहीं होगा। अगर कुर्तीज की बात करें और आपका अगर टमी फैट है तो आप क्या कर सकते हैं, एम्पायर लाइन कुर्तीज पहन सकते हैं। एम्पायर लाइन कुर्ती में क्या होती है, बिलो द बस्ट एक लाइन होती है, उसके बाद जो नीचे वाला एरिया होता है वो लूज होता है और जो एम्पायर लाइन से ऊपर वाला एरिया होता है वो बिल्कुल फिटेड होता है। तो सामने वाले का जो ध्यान होगा सिर्फ इस एरिया में रह जाएगा और आपका नीचे का एरिया जो होगा वो लूज मतलब जो आपका फ्लॉयी गारमेंट के अंदर होगा तो आपका वो जो एरिया है वो हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट जो टिप है वो उन गर्ल्स के लिए है जो हैवी ब्रेस्टेड हैं, जेंडर्स ब्रेस्टेड हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो नेकलाइन है उसको स्क्वायर में रख सकते हैं। तो जो स्क्वायर नेकलाइन है वो हमारे शोल्डर्स को ब्रॉड दिखाती है और हमारी ब्रेस्ट को थोड़ा सा स्मॉल दिखाती है। इससे क्या होगा कि आपकी ब्रेस्ट जो है वो ज़्यादा हैवी नहीं होगी। नेक्स्ट जो टिप है वो है जिनकी आर्म्स जो है वो थोड़ी हैवियर साइड के लिए हैं, उन गर्ल्स के लिए। तो आप स्लीवलेस को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, उसकी जगह यहाँ पे एल्बो स्लीव या फिर 3/4 स्लीव्स डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्लीवलेस पहनेंगे तो ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, बट एक और टिप है कि अगर आप चाहें आप स्लीवलेस डालना चाहते हैं तो आप ऑफ शोल्डर डाल लीजिए। उससे क्या होगा, आपका ये वाला एरिया कवर हो जाता है और जो हमारा आर्म फैट होता है वो इस एरिया में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये भी एक टिप है। नेक्स्ट जो टिप है वो है आपके हेयर्स के लिए। आप हेयर्स को बिल्कुल ओपन ना रखें, बिल्कुल ओपन हेयर्स जब होते हैं तो हमारा फेस जो होता है वो थोड़ा सा हैवी लगता है, क्योंकि जो हमारे हेयर्स होते हैं वो हमारे फेस को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, तो हमारा फेस जो होता है वो थोड़ा बल्कियर साइड की तरफ दिखता है।
आप अपने हेयर्स को या तो हाफ टाई कर सकते हैं, या फिर आप आपकी हाइट अगर थोड़ी सी कम है तो आप हाई बन बना सकते हैं, उससे भी हाइट का इल्यूजन क्रिएट होता है। तो ये आपकी हेयर्स के लिए टिप हो गई है। नेक्स्ट जो टिप है वो आप एक अपने साथ एक बैग कैरी कर सकते हैं, और जो बैग होगा वो आप थोड़ा बिग साइज में रखिए। बिग साइज बैग जो रखेंगे आप, अपना हैंड बैग जो है वो अगर बिग साइज में रखेंगे तो वो भी आपको थोड़ा सा स्लिमिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि अगर बैग बहुत हैवी होगा, बहुत बड़ा होगा, तो उससे ऑटोमेटिकली आप थोड़े से स्लिम लगेंगे। तो ये थी मेरी आज की टिप्स, जिनको आप अपनी क्लॉदिंग के टाइम पे, अपनी ड्रेसिंग में, स्टाइलिंग में यूज कर सकते हैं, अपनी जब आप कोई ड्रेसेस परचेज कर सकते हैं उस टाइम पे यूज कर सकते हैं, तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगी। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको एक थम्स अप दिए बिना मत जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं। थैंक यू, बाय बाय।